दुनिया भर में कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तमाम देशों के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं ICMR का भी दावा है कि 15 अगस्त 2020 तक वैक्सीन देश के लोगों के हाथ में होगा। हालांकि ये वैक्सीन कब मिलेगा ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आज आपको बताते हैं कि वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल यानी कि इंसानों पर परीक्षण कैसे होता है। ये ट्रायल कई नियम कायदों से भरा हुआ होता है और वैक्सीन बनाने को लेकर इसे इंसान पर आजमाने और उसका रिजल्ट आने तक इसमें कई सारे तामझाम होते हैं। वैक्सीन बनकर तो तैयार हो जाता है, लेकिन इसकी डायरेक्ट इंसानों पर आजमाइश नहीं की जाती है। सबसे पहले इसे बंदरों पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बंदर और इंसान के जीन काफ़ी हद तक सेम होते हैं, इसलिए पहले वैक्सीन का ट्रायल बंदरों पर किया जाता है। अगर वैक्सीन बंदरों पर ठीक तरीके से काम करता है तब आती है इंसानों की बारी और फिर ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है। देश में होने वाले ह्यूमन ट्रायल की बात की जाए तो उसकी शुरुआत होती है CTRI से, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहां पर वैक्सीन से संबंधित सारी जानकारियां देनी होती है। वैक्सीन कैसे बनाया गया है, इसका क्या रिजल्ट आया, कितने लोगों पर इसका परीक्षण किया जाएगा और कितने समय तक किया जाएगा, ये कुछ ऐसी जानकारियाँ होती है जो CTRI को उपलब्ध करानी होती है। उपलब्ध कराई गई चीज़ों पर CTRI जांच करती है और उसके बाद अगर परमिशन मिलती है तब आप ह्यूमन ट्रायल कर सकते हैं। परमिशन मिल जाने के बाद की प्रोसेस होती है वो भी आपको बता देते हैं। वैक्सीन ट्रायल के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि जो रोग हुआ है उसका इन्फेक्शन देने के साथ में ही उसका वैक्सीन देना। इन्फेक्शन को जानबूझ कर दिया जाता है एक समय अंतराल के बाद, ताकि ये पता लगा जा सके कि रोगी की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है या नहीं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि हर बार परीक्षण में इन्फेक्शन दिया जाए, ये किसी किसी मौके पर ही होता है, अधिकतर परीक्षण जानवरों पर ही किए जाते हैं। दूसरे तरीके को रैंडमाइज ट्रायल कहा जाता है। ये थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है लेकिन इसे ज़्यादा कारगर माना गया है। इस तरीके में जिन इंसानों पर ट्रायल किया गया है उन्हें वैक्सीन देकर आम जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर समय समय पर उनकी जांच की जाती है कि कहीं वो बीमारी से इन्फेक्ट तो नहीं हुए हैं, और अगर इन्फेक्टेड हुए भी हैं तो किस हद तक इन्फेक्शन उनमें आया है, इसकी जांच की जाती है। इस तरीके को एक तरफ से ब्लाइंड ट्रायल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों को शामिल किया जाता है और कई बार तो लोगों को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें वैक्सीन दिया गया है। इस तरीके में ट्रायल कई चरणों में होता है, इससे पहले कोई फ़ायदा ना निकले लेकिन नुकसान निकलने की भी कोई संभावना इसमें नहीं होती है। इन दो तरीकों के साथ ही वैक्सीन ट्रायल के 4 फेज़ होते हैं। पहले फेज़ में 10 से 15 लोगों को वॉलंटियर के रूप में चुना जाता है। वॉलंटियर वो होते हैं जो खुद परमिशन देते हैं वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर करने की। इसके बाद 15 दिन और 1 महीने के अंतराल में इन वॉलंटियर्स पर टेस्ट किए जाते हैं। इस फेज़ का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। दूसरे फेज़ में 4-5 महीने चलने वाला चरण होता है, जिसमें लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है। इसमें पहले के लोग तो शामिल होते ही हैं, इसके अलावा 100 से 1000 की संख्या में भी लोगों को शामिल किया जाता है। इनमें से कुछ लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है और आधे लोगों को झूठा वैक्सीन लगाया जाता है। झूठा वैक्सीन यानी कि प्लेसिबो, जिसमें इंजेक्शन में सिर्फ पानी होता है। इस फेज़ में देखा जाता है कि कितने वॉलंटियर्स वैक्सीन लगाने के बाद इन्फेक्ट हुए हैं। फेज़ 3 में दोनों फेज़ का मिला जुला परिणाम देखने को मिलता है। इसमें कई हज़ार लोग शामिल होते हैं। ये देखा जाता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, साथ ही साथ वॉलंटियर कितने इन्फेक्ट हो रहे हैं और कितने नहीं। इन सब के बाद वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, जिसे फेज़ 4 कहते हैं। फेज़ 4 की समय अवधि 1 साल से लगाकर 5 साल तक भी हो सकती है, और इसे फेज़ में बस ये देखा जाता है कि कितने लोग सही हो रहे हैं और कितने लोग बीमार, कितनों पर वैक्सीन ने काम किया और कितने लोग बच गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सभी चरणों में बस यही देखा गया कि कितने सही हुए और कितने नहीं, तो वैक्सीन का क्या मतलब निकला, वैक्सीन वाकई कारगर है या नहीं। तो आपको बता दें कि दुनिया में किसी भी बीमारी का ऐसा वैक्सीन नहीं है जो ये पुष्टि करता है कि ये रोग आपको कभी नहीं होगा। हाँ, एक हद तक ये वैक्सीन आपको रोग से सुरक्षित रखता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।